आप देख रहे हैं आज तक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। बंगाल की सबसे बड़ी जंग मैदान में नंदीग्राम में हर सियासी रंग नजर आ रहा है। ममता बनर्जी ने वहां 5 दिन तक कैंप किया है, तो अमित शाह कल रोड शो करने वाले हैं और वहां से हुंकार भरेंगे। और दूसरे राउंड में 1 अप्रैल को मतदान होना है। नंदीग्राम सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड है। बंगाल के अंदर परिवर्तन अगर करना है तो बंगाल की 200 सीटों में परिवर्तन करना पड़ेगा। नंदीग्राम अकेला ही कर दे तो बंगाल के अंदर अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। कहते हैं जिसका नंदीग्राम उसका बंगाल। बंगाल की जंग अब नंदीग्राम पर टिक गई है। पहले दौर के मतदान के बाद अब नजरें इस महासंग्राम पर है। नंदीग्राम में होली के सब रंग दिख रहे हैं। ममता बनर्जी इस महामुकाबले के लिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। 1 अप्रैल की वोटिंग तक वो नंदीग्राम में ही जमी रहेंगी। बीती शाम ममता नंदीग्राम की चोट वाली जगह पर पहुंची और व्हील चेयर से हुंकार भरी। ममता जी आप उधर से हट जाओ, आपको लिए तो पेट्रोल बम रख दिया है, आपको पेट्रोल बम में जला देगा। आमी बोललाम आप मत डरिए, हम इंतजार करेंगे। जब तक हमको नंदीग्राम में नहीं जाने देगा तब तक इंतजार करेंगे। भवानीपुर छोड़ नंदीग्राम से शुभेंदु के खिलाफ जंग में कूदने वाली ममता बनर्जी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। वो जताना चाहती हैं कि नंदीग्राम ही उनकी कर्म भूमि है, वो यही की बेटी हैं, यही उनका घर है। नंदीग्राम के महासंग्राम को जीतने के लिए तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने नंदीग्राम को ही अपना घर बना लिया है। वो कल रात को नंदीग्राम पहुंची और बहुत सारा जनसभा को संबोधित की। आज और कल दोनों दिन दूसरे फेज से पहले ये आखिरी चरण का जो कैंपेनिंग होने वाला है, ममता बनर्जी यहीं डटकर रह के अपना कैंपेनिंग पूरे चप्पा चप्पा नंदीग्राम में करेंगी। और उसके साथ साथ ममता बनर्जी ने ये भी कह दिया है कि वो दूसरे जगह जहाँ पे कैंपेनिंग करने जाएंगी, लेकिन वापस वो जरूर नंदीग्राम में ही आएंगी और रात को नंदीग्राम में ठहरेंगी और चुनाव के दिन पूरे नंदीग्राम घूमते हुए देखेंगी कि किस तरह से चुनाव यहां पे हो रहा है। शुभेंदु को आगे कर बीजेपी उन पर पूरा जोर लगा रही है। कल यहां अमित शाह भी पहुंच रहे हैं। नथिंग स्पेशल, नंदीग्राम हमारे लिए एक सीट है। मैं नंदीग्राम के मतदाताओं को इतना ही कहना चाहता हूं कि बंगाल के अंदर परिवर्तन अगर करना है तो बंगाल की 200 सीटों में परिवर्तन करना पड़ेगा। नंदीग्राम अकेला ही कर दे तो बंगाल के अंदर अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। तो मेरी बंगाल के नंदीग्राम कॉन्स्टिट्यूएंसी के मतदाताओं को अपील है कि परिवर्तन तो आपके ही हाथ में है, आप अकेले ही कर दीजिए, परिवर्तन हो जाएगा। नंदीग्राम जीत के अपने दावे हैं, अपने मंत्र हैं, अपने सियासी समीकरण है। यहाँ करीब 12% मुस्लिम मतदाता हैं जो टीएमसी को वोट देते हैं। 2016 में टीएमसी के टिकट पर शुभेंदु अधिकारी 68,000 वोट से जीते थे, लेकिन इस बार वो टीएमसी के खिलाफ हैं। अब सबकी नजर हिंदू वोट पर है और जमकर हिंदू कार्ड भी खेला जा रहा है, तो ममता इस कार्ड की काट के लिए हर चाल चल रही है। नंदीग्राम के इस महासमर में ममता बनर्जी की ही तरह शुभेंदु अधिकारी के लिए भी करो या मरो की स्थिति है। और यही वजह है कि शुभेंदु अधिकारी लगातार अपना फोकस नंदीग्राम पर जमाए हुए हैं और चुनावी प्रचार सुबह से रात तक कर रहे हैं, क्योंकि नंदीग्राम की हार जीत तय करेगी शुभेंदु के भविष्य की दिशा। 10 साल पहले नंदीग्राम आंदोलन के दम पर ममता ने लेफ्ट की सरकार को खड़ा फेंका था। अब चुनौती राइट विंग पार्टी से है और जंगे मैदान भी नंदीग्राम ही है। नंदीग्राम से इंद्रजीत कुंडू और अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। वैसे पहले राउंड के बाद जबानी जंग और भी तेज हो गई है। शाह ने 30 में से 26 सीटें जीतने का दावा किया, तो ममता बोली ईवीएम में घुसकर देखा है क्या। मैं मानता हूं कि प्रथम चरण में 26 सीटों से जो शुरुआत हुई है
हमारे लक्ष्य 200 पार को सिद्ध करने में हमें बड़ी सरलता रहेगी। इसी तरह से चुनाव आगे बढ़ता रहा, भारतीय जनता पार्टी 200 से ज्यादा सीटों के साथ बंगाल में सरकार बनाएगी, इसका मुझे विश्वास है, भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं का विश्वास है। आसाम में भी अभी जो सीटें हैं इससे ज्यादा सीटों के साथ हम पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। जिला स्तर और प्रदेश स्तर के हमारे नेतृत्व गण से चर्चा करने के बाद मैं मानता हूं कि बंगाल में हम 30 में से 26 सीट से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी विजयी हो रही है। आप गांव गांव में जाके कहते हैं कि बीजेपी के वोट दो, ये आपका काम नहीं है, आप ये काम मत करो, नहीं करो, अगर आप करोगे तो हमको भी मूवमेंट करना पड़ेगा, हम आपको इज्जत करते हैं, आपको हमका अतिथि है, हम आपको रेस्पेक्ट करते हैं, आपका रेस्पेक्ट आप खुद लीजिए। बीजेपी इधर में आएगा नहीं, जीतेगा भी नहीं। आप यूपी से आए तो सुन लो, योगी का वोट इधर से नहीं होता है, नरेंद्र मोदी का नहीं होता है, अमित शाह का नहीं होता है, ए बीजेपी का वोट नहीं होता है, बांग्ला बांग्ला ही थकबे, बांग्ला बांग्ला के बात है। 27 साल के कम्युनिस्टों के शासन के बाद उनको एक आशा थी कि दीदी एक नई शुरुआत लेकर आएगी, मगर दल का चिन्ह बदल गया, दल का नाम बदल गया, बंगाल वही का वही रहा और गिरावट आई। मैं नंदीग्राम के मतदाताओं को इतना ही कहना चाहता हूं कि बंगाल के अंदर परिवर्तन अगर करना है तो बंगाल की 200 सीटों ने परिवर्तन करना पड़ेगा। नंदीग्राम अकेला ही कर दे तो बंगाल के अंदर अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। तो मेरी बंगाल के नंदीग्राम कॉन्स्टिट्यूएंसी के मतदाताओं को अपील है कि परिवर्तन तो आपके ही हाथ में है, आप अकेले ही कर दीजिए, परिवर्तन हो जाएगा। जगाई मोलाई गोदाई, सीपीएम जगाई, कांग्रेस माधाई और बीजेपी गोदाई, तीनटे एकजोट হয়েছে। এই একজোটের বিরুদ্ধে মানুষ জোট বাঁধুন, তৃণমূল কংগ্রেস একাই 100, আমি একা, আমার বিরুদ্ধে দেখুন 1000 নেতা নিয়ে বসে আছে দিল্লি থেকে, সব ভোটার বুক করে রেখে দিয়েছে, সব নেতারা ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমি বলেছি আমি একা নই রে, তোদের ক্যালকুলেশন ভুল, আমি একা, আমার সাথে 100% মানুষ আছে, তাই আমি 101 খেলা হবে, খেলতে হবে, জিততে হবে, আর বিজেপিকে খালি করতে হবে। তাহলে মনে রাখবেন, জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা। होली पर रंगों की बौछार होती है, लेकिन बंगाल में ऑडियो बम से वार पलटवार हो रहा है। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर नंदीग्राम के बीजेपी कार्यकर्ताओं को तोड़ने की कोशिश का आरोप लगाया, तो टीएमसी ने मुकुल रॉय का ऑडियो जारी कर चुनाव आयोग को प्रभावित करने का इल्जाम मढ़ दिया। তো অনেক ইয়াং ছেলে এবং অনেক কাজ করো, আমি জানি সবকিছু, তুমি একটু এবার একটু আমাদের সাহায্য করো, না তুমি দেখছো কোনো অসুবিধা হবে না। बंगाल की चुनावी जंग में ऑडियो वाली पिचकारी भी चल रही है। पहले बीजेपी ने ममता बनर्जी पर काले रंग की बौछार की, फिर टीएमसी ने भी बोलने वाली पिचकारी निकाल दी। बीजेपी ने ऑडियो क्लिप रिलीज कर ममता बनर्जी पर नंदीग्राम के बीजेपी कार्यकर्ता को अपने पक्ष में लाने के लिए फोन करने का आरोप लगाया। बीजेपी के ऑडियो में दावा है कि ममता ने खुद फोन कर बीजेपी कार्यकर्ता प्रलय पाल को टीएमसी में आने का ऑफर दिया। अब आप सुनिए बीजेपी के जारी ऑडियो में क्या कुछ है। अभी तो अनेक यंग चले एवं अनेक काज करो, हमें जानी सब कुछ, एक तो एबार एक तो हमारे সাহায্য করে দাও না, তুমি দেখবে কোনো অসুবিধা হবে না। কিন্তু দিদি সেটা তো আমি দিদি বলি শুনে, এটা আপনি আপনাকে দেখে কিন্তু আমার পরিবার রাজনীতি করেছিল, আপনার সেই আদর্শ ভিত্তিতে, এবং আপনি যেদিন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন সেদিনই মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে যেদিন মানে এক সালে যেদিন রেজাল্ট ঘোষণা হয় আমরা বুঝে নিয়েছিলাম যে আপনি ক্ষমতায় আসছেন, পাঁচজন ব্রাহ্মণ ডেকে হোম যজ্ঞ করে আমি কিন্তু গোটা মিটিং মিছিল করেছিলাম। কিন্তু খারাপ লাগে দিদি যে এত ত্যাগ করার পরও যখন প্রলয় পাল রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট পায় না, এর থেকে লজ্জার কিছু থাকতে পারে না। এটা কে করেছিল এটা তুমি জানো? তোমাদের লোকাল যে লিডার ছিল সে আমাদের নন্দীগ্রামে যেতে দিত না, এবং সে আমাকে নন্দীগ্রামে ঢুকতে দিত না, সারা মেদিনীপুরে ঢুকতে দিত না, তাদের একটা জমিদারি চলতো, তুমি তো জানো সবই ভাই। আমি আমি দিদি রেসিডেন্স সার্টিফিকেট পাবো না, এটা হতে পারে? আরে আমি আছি কি করতে, এগুলো তো এটা তো যে করেছে সে অন্যায় করেছে। মার খেয়েছি আপনার মহাদেবের হাতে, তো মার খেয়েছি আমি।
আমি জানি, আমি সব জানি, আমি সব জানি, আমি পরে শুনেছি। আমি তোর আগে এত ডিটেলসে খবর নিতাম না, কিন্তু এখন যেহেতু আমি গেছি তাই আমি সবার খবর রাখছি বলেই খবর নিচ্ছি। আর দিদি এখন আমি, আপনি যাই মনে করুন না কেন, বেরিয়ে এসেছি দল থেকে, আর দলের সঙ্গে যে দলটা করি কোনো দলের সঙ্গে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবো না। बीजेपी के ऑडियो पर सियासी घमासान छिड़ गया। बीजेपी ने ममता पर लालच देकर कार्यकर्ता तोड़ने का आरोप लगाया तो टीएमसी ने कहा अपने पुराने कार्यकर्ता को वापस लाने में क्या गलत है। ममता बनर्जी नाउ नॉट ट्रस्टेड हर कॉलीग, सी लॉस्ट हर बैटल, सी इज नाउ पॉलिटिकली इंसॉल्वेंट। देयर इज नो रॉन्ग विद इन दिस। I don't know whether the tape is true or not, but assuming that is a correct tape, I can only say that there is no wrong in that. बीजेपी पर पलटवार करते हुए टीएमसी ने भी ऑडियो क्लिप जारी कर दिया जिसमें मुकुल रॉय दूसरे बीजेपी नेता शिशिर बजोरिया को बता रहे हैं कि कैसे चुनाव आयोग को प्रभावित किया जाए। ইসি আসছে কবে? পরশু। একুশ আমাদের ডাকবে, একুশ একুশ তাই তো? কুড়ি, হ্যাঁ একুশ। তাহলে একুশে আমাকে, আমি যাব, ঠিক আছে? খুব ভালো, খুব ভালো, তোমার আমি জানিয়ে রাখলাম, ঠিক আছে? খুব ভালো, খুব ভালো, একুশে যাব। তুমি এমনি পয়েন্ট পয়েন্ট যা করলে করছো করো, ঠিক আছে? খালি তুমি আমার হয়ে একটা দুটো পয়েন্ট করে দাও, ঠিক আছে? বলুন বলুন। এক নম্বর হচ্ছে বাংলা, এটা তো ঘটনা যে বাংলায় আমরা চাইবো যে যে এজেন্ট হবে, এজেন্ট হওয়ার জন্য তোমাকে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নীতি রাখলে হবে না। যে পারবে যে কোনো বুথে সে এজেন্ট হতে পারবে, যে ভারত পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের ভোটার ভোটার। যা এক ওর বিজেপি নে एक ऑडियो टेप रिलीज करते हुए दावा किया कि ममता बनर्जी उन्हीं के कार्यकर्ताओं को फोन करके समर्थन मांग रही है, वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने अपना ऑडियो बम सामने लाया है जहां पे ये आरोप है कि मुकुल रॉय बीजेपी के नेता दूसरे बीजेपी के नेता शिशिर बजोरिया को फोन करके ये सलाह दे रहे हैं कि किस तरह से चुनाव आयोग पर दबाव बनाया जा सके। और इन दोनों ऑडियो बम को लेके आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति बंगाल चुनाव में तेज हो गई है। ऑडियो वॉर को लेकर बीजेपी और टीएमसी दोनों ने चुनाव आयोग का रुख किया। अभी तो आगाज है, पूरी जंग अभी बाकी है। देखते जाइए आगे क्या होगा। बंगाल का चुनावी रंग किसे रंगीन करता है और किसे गमगीन। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्र, आज तक ब्यूरो। देखते रहिए आज तक।